हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प्यूटर्स बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं कला के अंकषडंग यानी कि प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था TGT क्रैश कोर्स है, 50 डेज़ का है और ये 50 डेज़ में एग्ज़ाम से पहले पहले पूरी कोशिश करेंगे तो आपका कंप्लीट करा देंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको यहाँ पर कोई फ़ीस और कोई आपकी फ्री क्लासेस चलेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, षडंग का सर्वप्रथम उल्लेख किसने दिया था। अब यहाँ पे बात कर रहा है षडंग का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, तो यहाँ पर यशोधर पंडित ने किया था। आप भी क्वेश्चन को लगाते जाइए और फिर कमेंट करके बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक गए हैं। और अगर बादशायन की बात करें तो बादशायन का है कामसूत्र, जहाँ पे 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। अगर अवनींद्रनाथ ठाकुर की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलता है कि इन्होंने षडंग की व्याख्या करी थी, लेकिन यशोधर पंडित ने व्याख्या नहीं करी थी, यहाँ पे सिर्फ उल्लेख मिलता है षडंग का। और भरत मुनि की बात करें तो यहाँ पर नाट्य शास्त्र, जहाँ पर रस और भाव का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, कामसूत्र के अतिरिक्त किस प्राचीन ग्रंथ में कला के अंगों का विवेचन हुआ है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि कामसूत्र के अतिरिक्त, यानी कि कामसूत्र में तो मिला हुआ है, इसके अतिरिक्त कौन सा ऐसा है ग्रंथ जहाँ पर कला के अंगों का विवेचन मिला है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, सम्रांगण सूत्रधार, कल्प सूत्र, ललित विस्तर या चित्रसूत्र। तो यहाँ पर कौन सा मिलता है, चित्रसूत्र में मिलता है। और सम्रांगण सूत्रधार किसका है, राजा भोज का है। और कल्प सूत्र भद्रबाहु का है, वो जैन धर्म से संबंधित है। अगर ललित विस्तर की बात करें तो ये बौद्ध धर्म, कल्प सूत्र जैन धर्म और ललित विस्तर बौद्ध धर्म। तो इसका राइट आंसर मैंने बता ही दिया है, चित्रसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं, आदर्श मनुष्य कृति के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है। अब यहाँ पे ताल दिए हुए हैं, सप्त ताल, अष्ट ताल, नव ताल, 16 ताल। अब पहले देखो, पहले के लोग क्या होते थे, पहले के लोग ताल या अंगुल में मेजरमेंट करते थे या उसका प्रमाण जो करते थे वो किस में करते थे, ताल और अंगुल में करते थे। ताल मैंने आपको बता ही दिया है कि ताल बराबर एक सर होता है, यानी कि ताल में एक ताल में 12 अंगुल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नव ताल हो जाएगा। अगर अष्ट ताल की बात करें तो ये मानव के लिए होता है, आदर्श मनुष्य कृति। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे पहले अर्जुन का चित्र बनाया है तो जैसे उसको 9 ताल में बनाया है। और 16 ताल की बात करें तो यहाँ पे देखो राक्षस जो होता है उसका राक्षस का चित्र बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर सप्त ताल का नहीं है, 7.5 ताल का है तो वो औरत का चित्र बनाते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, जय मंगला किस ग्रंथ का टीका है। अब यहाँ पे जय मंगला ग्रंथ की बात करता है, जय मंगला से देख के ही पता लग रहा हो कि हाँ ये षडंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे किस ग्रंथ की टीका करी है, कामस सूत्र की टीका करी है। चित्र सूत्र में तो बता ही दिया है आपको, नाट्य शास्त्र का भी मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते हैं, कालानाम प्रवरम चित्र धर्म कर्मार्थ मोक्षदम किस ग्रंथ में उल्लेखित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कामसूत्र, विष्णु धर्म उत्तर पुराण या चित्र लक्षण या भगवत गीता। इसको देख के ही लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पर ये विष्णु धर्म उत्तर पुराण में ही मिला होगा, क्योंकि आप कामसूत्र पढ़ चुके हैं, चित्र लक्षण का तो मैंने बता ही दिया है। चित्र लक्षण में है राजा, इसके अगर पूछा जाए तो, अगर इसके मतलब रचना पूछी जाएगी किसकी ये है, तो राजा भयजीत या नग्नजीत। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस कला की रचना है, यानी कि किस काल की रचना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आप इसको ठीक कर लीजिए, किस काल की रचना है, मुगल कालीन, गुप्त कालीन, कुषाण कालीन। तो यहाँ पे किस काल की रचना है, इसको तो ज़्यादा समझना है नहीं, तो बस आपको याद रखना है कि ये गुप्त कालीन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाव कला को क्या देता है। भाव का मतलब हो गया कि फीलिंग, यानी कि इमोशन, कि आपके इमोशन क्या है, लय है, लय से तो हमें कोई मतलब है नहीं, परिवर्तन से भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आनंद से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आनंद भाव हमें सिर्फ आनंद ही नहीं देता है, दुख भी देता है, तो इसकी फीलिंग होती है। तो यानी कि आंतरिक अभिव्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं, लावड़ी योजना किसे कहते हैं। अब यहाँ पर लावड़ी योजना की बात कर रहा है, मैंने आपको षडंग में पढ़ाया भी था कि लावड़ी योजना होता है वो बाह्य सौंदर्य होता है, तो इसमें बाह्य सौंदर्य पर देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य सौंदर्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, सादृश्य क्या होता है। सादृश्य को मैंने बताया ही था, सिमिलिट्यूड यानी कि आकृति में समानता, कि जैसा कि हमें चित्र जो दिखता है, कि अगर हम गांधी का चित्र बना रहे हैं तो वो गांधी जैसा दिखना चाहिए, अगर हम किसी कोई मान लो किसी का पोर्ट्रेट भी बना रहे हैं तो उस जैसा इंसान दिखना चाहिए जैसा वो इंसान दिख रहा है, वो किसी अन्य इंसान की तरह ना लगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकृति में समानता।
क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ी का भंग क्या है। अब यहाँ पे बड़ी का भंग की बात कर रहा है। देखो बड़ी का को बहुत सारे लोगों ने बड़ी का को अलग माना है, भंग को भी अलग माना है, तो यहाँ पे बड़ी का भंग अलग अलग है। यहाँ पे बड़ी का तुलिका से हो जाएगा, भंग हो गए अंगों की भंगिमाओं से हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विविध वर्णों की सम्मिलित भंगिमा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई है। मैंने आपको भी बताया भी था कि ताल इकाई क्या होता है। ताल एक ताल बराबर होता है एक सर, और एक ताल में होते हैं 12 अंगुल, और सिर में ही 12 अंगुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, षडंग में अनुपात के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि षडंग में अनुपात के लिए, अब यहाँ पे अगर अनुपात की बात कर रहा है तो आप आँख बंद करके बता ही सकते हैं कि ये प्रमाण की ही बात कर रहा है। सामंजस्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि सामंजस्य हमारा संयोजन के सिद्धांत से मतलब है। सादृश्य तो मैंने बता ही दिया था कि आकृति में समानता होता है, रूप भेद होता है कि उसमें सत्य की अभिव्यक्ति की, जो जैसा मतलब जैसा इंसान है वैसे उसी इंसान की तरह बनाना चाहिए। अगर मानव है तो मानव की तरह लगना चाहिए इंसान, इसी तरह में रूप भेद है। यशोधर पंडित ने षडंग का तीसरा अंग कौन सा बताया है। अब यहाँ पे यशोधर पंडित ने तीसरे अंग की बात कर रहा है, यानी कि आप बात जानते ही हैं रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम, तो यहाँ पे तीसरा अंग कौन सा हो गया, भाव हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, अमूर्त चित्रण से क्या तात्पर्य है। कहानी कथन है, आकृति चित्रण है, यहाँ पे अमूर्त की बात कर रहा है। अमूर्त से मतलब हो गया इमेजिनेशन, यानी कि आप इमेजिन करो कि कौन सा है, तो आप प्रतीकात्मक से आप देख ही सकते हैं कि आप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। प्रकृति चित्रण भी नहीं होगा और यहाँ पर आकृति चित्रण भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहानी कथन, क्योंकि कहानी कथन में ही आप कोई इमेजिन करते हैं और इसका अमूर्त चित्रण करते हैं। आकृति भावनाओं को मूर्त रूप, अभी देखो अमूर्त की बात हो रहा था, यहाँ पे मूर्त की बात कर रहा है। मूर्त मतलब जैसा आपको दिखता है वो वैसा होना चाहिए, तो वो किस में होता है, सादृश्य द्वारा। अभी मैंने आपको बताया ही था, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रूप भेद में कंफ्यूज हो जाते हैं, सादृश्य भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सादृश्य वही होता है, आकृति में समानता होता है कि जैसा इंसान जैसा दिख रहा है वैसे इंसान की आकृति बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अब यहाँ पर बात कर रहा है आधुनिक अर्थ में कला का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। पहले हमें कला शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिला था वो कहाँ मिला था, वो ऋग्वेद में मिला था। लेकिन जो यथार्थवादी जो प्रयोग किया गया था वो किस में किया गया था, नाट्यशास्त्र में, और नाट्यशास्त्र किसका लिखा हुआ है, भरत मुनि का। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरत मुनि। पाणिनी बता ही दिया है मैंने आपको, अष्टाध्यायी का है ये, बादशाह का आप काम सूत्र हो जाएगा। अभिनव गुप्त ने धन्यलोक लोचन का टीका करा था, धन्यलोक से आनंद वर्धन का। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाव किस सौंदर्य का बोधक है। अब यहाँ पे भाव की बात कर रहा है, भाव का मतलब है कि आपकी आंतरिक, यानी कि जो आंतरिक इमोशन है, आंतरिक फीलिंग है जो आपकी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य का तो कोई मतलब नहीं है, बाह्य हमारा लावण्य योजना से मतलब है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक। क्वेश्चन नंबर 18 है, चित्र लक्षण ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है। मैंने आपको इसमें पहले मैंने जो मतलब वीडियो डाली है उसमें मैंने बताया ही था, चित्र लक्षण के बारे में बताया था कि चित्र लक्षण में 3 अध्याय विभक्त है। प्रथम में चित्रकला की उत्पत्ति है, और दूसरे अध्याय में चित्र की सृष्टि का कारण बताया है, और तीसरे अध्याय में चित्र रचना के नियम का विवरण मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। चित्रसूत्र में रस कितने उल्लेख हैं। अब चित्रसूत्र में रस की बात कर रहा है कि चित्रसूत्र में रस कितने उल्लेख हैं, तो इसका बहुत लोग आंसर कराते हैं 8 आंसर, लेकिन 8 आंसर रॉन्ग है। 8 आंसर आपका तभी हो सकता है जब नाट्यशास्त्र की बात करें। यहाँ पे चित्रसूत्र की बात कर रहा है, तो चित्रसूत्र में 9 रस का उल्लेख है, और 9 रस किसने खोजा था या किसने दिया था, अभिनव गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाव प्रदर्शन किस रूप से होता है। अब यहाँ पे फिर भाव प्रदर्शन की बात कर रहा है, यानी कि भाव का प्रदर्शन अगर करें तो हम किससे हम पता लगा पाएंगे, तो हम प्रकट हो जाए तो पता लगा पाएंगे, तो बिल्कुल रॉन्ग है। मुद्रा, अगर कोई मुद्रा में जैसा खड़ा चाहे वैसा हो जाए तो तब भी गलत है ये। मतलब हम किसी की पोजिशन देख कर हम पता लगा सकता है कि इसका भाव क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिति। क्वेश्चन नंबर 21 है, रूप भेद किसे कहते हैं। देखो रूप भेद बहुत लोग को आंसर लगा देते हैं रूप में अंतर, तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग होगा, ये रूप में अंतर नहीं होता है। रूप भेद होता है आकृति में सत्य की अभिव्यक्ति होती है,
किसकी होती है, सत्य की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि जैसा वो इंसान दिखता है वैसा इंसान दिखना चाहिए, यानी कि यथार्थवादी होना चाहिए जैसा वो है, ना कि उसमें अंतर होना चाहिए। ठीक है, आकृति में समानता तो मैंने बता ही दिया था कि ये सादृश्य से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंचल मुख्य आकृति किसके समान होती है? पान के पत्ते जैसी, तितली जैसी, मछली जैसी, सादृश्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पान के पत्ते जैसी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार कौन है? अभी मैंने आपको बता ही था कि भारतीय चित्र षडंग के सूत्रधार मैंने आपको बता ही था कि पंडित यशोधर है, और पंडित यशोधर ने ही कामसूत्र की टीका करी थी, और कामसूत्र टीका करी थी तो कामसूत्र की जो चौथे नंबर की कला है वो आलेख्यम नाम की, उसी की टीका करी थी पंडित यशोधर ने 11वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 24 है, यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने करी थी? अब यहाँ पे पुनर्व्याख्या की बात कर रहा है तो अविनाथ ठाकुर ने करी थी। हमारे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है राजा रवि वर्मा, सतीश गुजरात, नंदलाल बोस, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, कामसूत्र में कला को किस नाम से संबोधित किया है? वही चीज़ मैं अभी बात बता रही थी कि जो चौथे नंबर की कला है कामसूत्र, यानी कि आलेख्यम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलेख्यम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कला गुण की खान चित्र सूत्र किस पुराण में जुड़ा हुआ है? अब यहाँ पे बात कर रहा है कि कला गुण की खान जो चित्र सूत्र है वो किस ग्रंथ से, ये मैंने आपको जब मैंने वीडियो बनाई थी तभी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ आपको याद रखना है कि चित्र सूत्र किससे रिलेटेड है, या अभिलाषितार्थ चिंतामणि किससे रिलेटेड है, मानुसोल्लास, खैर उसी को बोला जाता है, तो वो भी किससे रिलेटेड है, ये सब आपको याद रखना है। तो चित्रसूत्र किससे संबंधित है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है बाणभट्ट ने, मार्कंडे ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्कंडे मुनि ने हो जाएगा। 28 है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? अब यहाँ पे बात कर रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में, अभी मैंने बताया था कि आपको कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो चित्र सूत्र है इसमें कितने रसों का है, 9 रसों का अभी आया भी था आंसर, लेकिन उसको बस ये है थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चित्र लक्षणम के रचयिता है? तो चित्र लक्षणम के रचयिता भी कभी पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे ग्रंथ होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना है, राजा भयजीत या नग्नजीत। और लास्ट क्वेश्चन है, चित्र लक्षण का रचनाकाल, कभी कभी रचनाकाल भी पूछ लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। आपके बस यही टेस्ट सीरीज़ आपकी फिनिश होती है, और प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए, और कमेंट भी करिए कि आपके क्वेश्चन कितने गलत गए हैं या कितने ठीक गए हैं, तो आप बताइए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।